हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रीडिंग ग्रामर रूल्स की, जिसे देखने के बाद आपकी रीडिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी होगी और आप इजीली ही रीडिंग ब्लैंक को सॉल्व कर सकते हो। फर्स्टली आपको कंसंट्रेट करना है इन पॉइंट्स पर, अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक, सेकंड लर्न कोलोकेशंस, थर्ड लर्न ग्रामर रूल्स, फोर्थ यूज स्ट्रेटजीज एंड फिफ्थ इम्प्रूव वोकैबुलरी। कोलोकेशंस क्या होती हैं और इसको यूज़ कैसे करना है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट, लर्न ग्रामर रूल्स। नंबर फर्स्ट, ग्रामर रूल। इफ देर इज ए ब्लैंक आफ्टर इज एम आर, अगर इज एम आर के बाद कोई ब्लैंक आ जाए तो फर्स्टली चेक दी सेंटेंस। आपको सेंटेंस को चेक करना है कि एक्टिव है या पैसिव है। अगर एक्टिव वॉइस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, अगर पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। एक्टिव और पैसिव वॉइस की आप पहचान कैसे कर सकते हो, मैं इसका वीडियो के एंड में बताऊंगा। सेकेंड, अगर इज एम आर प्लस बींग के बाद कोई भी ब्लैंक आ जाए तो आपको सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। थर्ड, इफ देर इज ए ब्लैंक आफ्टर डू डस या डिड, यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फोर्थ, अगर हैज हैव या हैड के बाद कोई भी ब्लैंक आ जाता है तो आपको सर्च करनी है ईडी या वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइवन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लाइम्ब ईडी आ गया, तो आपको इस तरीके से सेंटेंस को ढूंढना है। फिफ्थ, इफ देर इज ए ब्लैंक आफ्टर, अगर वॉज या वर्ग के बाद कोई भी ब्लैंक आ जाता है तो आपको चेक करना है कि एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। अगर एक्टिव है तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, अगर पैसिव है तो सीधी वर्ग की थर्ड फॉर्म। सिक्स, इफ देर इज ए ब्लैंक आफ्टर वॉज वर्ग या बींग, तो सीधी वर्ग की थर्ड फॉर्म यूज होगी। सेवन, इफ देर इज ए ब्लैंक आफ्टर हैज हैव हैड प्लस बीन, फर्स्टली चेक द सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अगर एक्टिव है तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, अगर पैसिव है तो सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पॉइंट एट, विल सेल प्लस बी के बाद ब्लैंक आ जाता है तो आपको चेक करना है एक्टिव है या पैसिव है। अगर एक्टिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पर भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का खेल है तो वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। 9 point, if there is a blank, अगर will, shall plus have plus been के बाद कोई भी blank आ जाता है तो आपको active voice check करनी है और passive। Active के साथ हमेशा verb की first form plus ing, passive के साथ verb की third form। Point 10, will, shall plus have के बाद कोई भी blank आ जाता है तो आपको verb की third form use करनी है। Point 11, if there is a blank after, अगर कोई blank आ जाता है will या shall के बाद तो verb की first form use होगी। पॉइंट 12, इफ देर इज ए ब्लैंक आफ्टर बींग बी या बीन, यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। पॉइंट 13, इफ देर इज ए ब्लैंक आफ्टर कैन कुड मे विल शैल वुड शुड, ऑल वी नीड टू यूज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल वॉक और प्ले। उसके बाद अगर कोई भी ब्लैंक आ जाता है कैन कुड मे विल शैल वुड शुड प्लस बी आफ्टर, वी नीड टू यूज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म बेस फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल वॉक प्लेड। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स ए एन और द। ए पॉइंट, इफ देर इज ए ब्लैंक, अगर ए के बाद कोई भी ब्लैंक आ जाता है तो आपको सिंगुलर नाउन यूज करना है ब्लैंक के अंदर। सेकंड पॉइंट, अगर एन के बाद कोई भी ब्लैंक आ जाता है तो जिन वर्ड की स्टार्टिंग होती है ए आई ओ यू ई, वो वर्ड यहाँ पर यूज होंगे। सी, अगर द के बाद कोई ब्लैंक है तो सिंगुलर या प्लूरल नाउन आएगा ब्लैंक के अंदर। डी, इफ देर इज ए ब्लैंक आफ्टर ए एन द, अगर ए एन द के बाद कोई भी ब्लैंक है तो गिवन नाउन, नाउन दिया होगा आपको, वहां पर एडजेक्टिव यूज करना है। 15, अगर टू के बाद कोई भी ब्लैंक है तो आपको वर्ब को सर्च करना है इन इट्स बेस लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल प्ले, राइट, ईट, दीज आर वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म। इन ग्रामर रूल से आप इजिली ही रीडिंग को सॉल्व कर सकते हो। एक्टिव और पैसिव वॉइस को कैसे करना है अब हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, आप कैसे पहचान कर सकते हो। एक्टिव वॉइस के अंदर आपको सब्जेक्ट पहले दिया होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आना पेंटेड द हाउस, ऑल पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन, आपको सिंपली तरीके से बताया जाएगा। पैसिव वॉइस के अंदर पहले आपको ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस वॉज पेंटेड बाय आना, उसकी पूरी जानकारी बता दी इसके अंदर। जैसे एक्टिव वॉइस में तो सिंपल बताया था आना पेंटेड द हाउस। पैसिव वॉइस सेकंड एग्जांपल, द वीडियो वॉज पोस्टेड ऑनलाइन बाय अली, आपको समझ आ गया होगा कि आप एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान कैसे कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।